एमपी, छत्तीसगढ़ सब जगह राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई और हमारे 76 उम्मीदवार भी घोषित हो गए। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब फैसला राजस्थान की जनता को करना है, राज्यों की जनता को करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी बताना चाहिए। हमने हमारा सारा काम लगातार हर विज्ञापन के जरिए लोगों के बीच में भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काम पर बात करनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं की व्यक्तिगत बयानबाजी ज्यादा हो रही है और व्यक्तिगत बयानबाजी का ही परिणाम है कि बीजेपी में इंटरनल फाइटिंग शुरू हो गई। लेकिन बीजेपी के जो राजस्थान में 25 MP जीत कर गए, उनमें से 4-5 तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने आज तक अपना हिसाब नहीं दिया, सिर्फ कांग्रेस की सरकार को कोसते रहे। ERCP के प्रोजेक्ट पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फेल हो गए, और तब फेल हो गए जब ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के नजदीक है। इसके बावजूद राजस्थान की जनता के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया, और जब लोगों ने डिमांड की और ये कहा कि पानी पर हमारा हक है, हमें जरूरत है, हमें मिलना चाहिए, तो उन्होंने खुद ने ये बयान दिया जो रिकॉर्ड हो गया कि जब आप हमें वापस वोट दोगे बीजेपी को, तब हम पानी देंगे। ये राजनीति हो गई। और आज मैं आपको इतना गारंटी से कह सकता हूँ, इस देश में महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और पुराने जो वादे इन्होंने किए थे केंद्र सरकार के चुनाव के वक्त, उस पर कोई भी केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भी बयान नहीं दे रहे। पलटकर वो अपने पुराने वादे याद ही नहीं कर रहे। नोटबंदी को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने पूरे देश में दावा किया था कि 50 दिन हमको दे दो, देश बदल देंगे। देश बदल गया, 500-1000 के नोट बंद हो गए, पूरे देश में मनी क्राइसिस खड़ा हो गया, लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। 50 दिन के बाद देश के हालात और ज्यादा बिगड़ते गए। मनी क्राइसिस आया, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और काला धन लाकर, और कहा गया था कि उससे देश के हालात सुधर जाएंगे, काला धन आया नहीं। उसके बाद नया काम कर दिया, ये 50,000 करोड़ रुपए जो नए नोट छापने में खर्च हुए थे, 2000 के नोट छापने में, वो 2000 का नोट भी बाद में बंद कर दिया। पहले 1000 का नोट और 500 का नोट बंद किया, उसके बदले फिर लाए 500 का और 2000 का नोट, उसमें से 2000 का नोट बंद कर दिया। ये सब करके बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटा सकती है, क्योंकि जब बड़ा शॉट लगता है तो लोगों में चर्चा होती है, तो लोग खुद की समस्याएं भूलकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। बीजेपी जनता को परेशान करके ऐसे मुद्दे लेकर आई 9 सालों में, जिससे जनता अपने घर के कामों में लग जाए, नोट बदलवाने में लग जाए, जब हालात बिगड़े तो उसमें लग जाए, GST में लग जाए, लेकिन देश के हालात नहीं सुधरे। आप मुझे ये बता दो, इस वक्त पूरे देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी बहुत ज्यादा त्रस्त है। जब वो पेट्रोल पंप पर जाता है उसकी आत्मा रोती है। बीजेपी पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर एक भी बयान केंद्र का नेता नहीं दे रहा है। क्या केंद्र के नेताओं को ये नहीं बताना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल के दाम तय होते हैं, उन दामों के आधार पर राजस्थान में, उस देश में पेट्रोल डीजल बिकता है। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद बहुत ज्यादा तेजी से क्रूड ऑयल के दाम गिरे। एक बार तो $61 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम आ गए। अभी भी क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है। जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी देश में UPA की चेयरपर्सन, तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे बिक रहा था।